तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यूनिट 3 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर और आपके इसी पार्ट में पूरा डीएस यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों को डीएस यूनिट 3 का नोट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर आपको 15 रुपीज गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना है और आपको वहीं पर नोट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अग्रीमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं और इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, यानी कि एग्रीमेंट प्रोटोकॉल के क्या क्या टाइप होते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, इन सभी के बारे में पार्ट वन लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन था लैम्पोर्ट सॉक्सटैक पीच एल्गोरिथम क्या होता है, तो सारे क्वेश्चन पार्ट वन लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम क्या होता है, इसके आर्किटेक्चर के बारे में और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। और जो लोग चैनल पर नए हों वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले फाइल सिस्टम क्या होता है, तो आप लिखेंगे फाइल सिस्टम क्या है, यह जो है फाइल को डेटा को इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है और उनका रिट्रीवल नेमिंग देता है और जो है फाइल्स को शेयर करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है, तो इसे बोलते हैं फाइल सिस्टम। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में जो फाइल सिस्टम है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम, इसका जो शॉर्ट नेम है उसे बोलते हैं DFS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम। अब यहाँ देखिए DFS में फाइल सिस्टम का काम होता है रिसोर्स को मैनेजमेंट करना, यानी कि इस सिस्टम में जो भी यहाँ फाइल है जो भी यहाँ पे डेटा है तो यहाँ पे क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट को जिस सर्विस की जिस डेटा की जिस फाइल्स की जिस इंफॉर्मेशन की जिस डॉक्यूमेंट की नीड होती है रिक्वायरमेंट होती है डिमांड होती है तो उसको यूज करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम का काम क्या होता है, क्लाइंट के रिक्वेस्टिंग के आधार पर उस फाइल को अवेलेबल कराना, तो उसे बोलते हैं फाइल सिस्टम। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है विदाउट नोइंग फिजिकल लोकेशन क्लाइंट या फिर यूजर उस फाइल को एक्सेस कर सकता है जो उसने डिमांड किया था, यानी कि यहाँ पे जो भी क्लाइंट है और यहाँ फाइल का यूज कर रहा है तो वो जो है विदाउट फिजिकल नोइंग दैट कैन एक्सेस दैट फाइल आर रिसोर्स आर सर्विसेज आर डेटा आर इंफॉर्मेशन आर डॉक्यूमेंट, यानी कि फिजिकल लोकेशन जानने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यहाँ नाम्स पढ़िए आप लोग, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि बांटना शेयर करना किसको, फाइल को, और यहाँ पे सिस्टम मतलब जो भी आपका सिस्टम है, यानी कि एक ही फाइल को मल्टीपल सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि यहाँ पे अगर मान लीजिए सिस्टम यहाँ पे क्रैश हो जाता है या फिर फेल हो जाता है तो आप जो है दूसरे सिस्टम से उस फाइल को रिकवर कर सकते हो, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यानी कि DFS। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पे जो फाइल है फाइल वो मल्टीपल सिस्टम पे मल्टीपल सर्वर पे मल्टीपल लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर किया जाता है, तो ऐसे सिस्टम को DFS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बोला जाता है। अब यहाँ देखिए DFS में इसका गोल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो आप लिखेंगे इसका मेन उद्देश्य होता है नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी। अब यहाँ देखिए पहला आपका है नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इसमें आता है टाइम शेयरिंग मेन फ्रेम सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग मेन फ्रेम सिस्टम इसका काम क्या होता है, जितने सारे आप साइट हैं जितने सारे साइट हैं क्लाइंट हैं उन सभी को फेयर चांस दिया जाता है
किसके लिए? रिसोर्स को, सर्विस को, डेटा को, फाइल्स को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है जो भी आपका है टाइम शेयरिंग मेन फ्रेम सिस्टम। यह जो है नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। टाइम शेयरिंग मेन फ्रेम सिस्टम नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ पे कोई भी डेडलॉक कंडीशन क्रिएट ना हो, स्टारवेशन क्रिएट ना हो। यानी कि जब भी यहाँ पे क्लाइंट किसी पर्टिकुलर फाइल्स को यूज करने के लिए, डेटा को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तब वह जो है लॉन्ग टाइम तक यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक यहाँ पे वेट ना करें, यानी कि यहाँ पे कोई भी डेडलॉक कंडीशन क्रिएट ना हो या फिर फाइनाइट टाइम तक यहाँ पे वेट ना करना पड़े, यानी कि यहाँ पे स्टारवेशन क्रिएट ना हो। इसीलिए यहाँ पे टाइम फ्रेम, टाइम शेयरिंग मेन फ्रेम सिस्टम नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे अगला इसका गोल है हाई अवेलेबिलिटी। यानी कि जब भी यहाँ पे क्लाइंट को नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है किसी फाइल्स को यूज करने के लिए, किसी सर्विस को यूज करने के लिए, किसी डेटा को यूज करने के लिए, तब उसको जो है उस सर्विस, वो फाइल इजीली यहाँ पे अवेलेबल कराया जाए। यानी कि यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी है, यानी कि यूजर क्लाइंट आसानी से उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, उस फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और उसको फिजिकल लोकेशन जानने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का मेन गोल। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है। देखिए आर्किटेक्चर ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यहाँ पे है तीन क्लाइंट, क्लाइंट वन, क्लाइंट टू और यहाँ पे क्लाइंट थ्री। तो आप लिखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यहाँ पे तीन क्लाइंट हैं और यहाँ पे जितने सारे क्लाइंट हैं वो सभी क्लाइंट एक नेटवर्क से अटैच हैं। देखिए यहाँ पे जितने सारे क्लाइंट हैं वो सभी क्लाइंट एक नेटवर्क से अटैच हैं और यहाँ पे एक फाइल सर्वर भी है और यह भी एक नेटवर्क के साथ यहाँ पे अटैच है। अब यहाँ पे क्लाइंट जो है इसको जिस फाइल्स की नीड है, जिस डेटा की नीड है तो उसको यूज करने के लिए इसी नेटवर्क की सहायता से, इसी नेटवर्क का यूज करके रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो भी क्लाइंट है ये सभी क्लाइंट नेटवर्क का यूज करके यानी कि नेटवर्क की सहायता से फाइल्स को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे नेटवर्क से जुड़ा रहता है फाइल सर्वर, यहाँ पे होते हैं कैश मेमोरी, यानी कि जो भी आपका सीएम है यानी कि कैशी मैनेजर है, इसके पास क्या होता है, फाइल्स का कैश होता है। तब यहाँ पे जैसे क्लाइंट इस नेटवर्क सहायता से रिक्वेस्ट किया है, तब यहाँ पे नेटवर्क सहायता से जो भी आपका है फाइल सर्वर इन नेटवर्क से अटैच होता है, तब यहाँ पे कैशी मैनेजर के द्वारा यानी कि जो आपका फाइल सर्वर है उसमें क्या होता है, कैशी मैनेजर होता है, तो इसकी सहायता से यहाँ पे रिस्पॉन्ड दे दिया जाता है, यानी कि फाइल यहाँ पे क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ देखिए फाइल सर्वर में यहाँ पे होता है SSD यानी कि सर्वर डिस्क होता है। अब यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे क्लाइंट नेटवर्क सहायता से फाइल्स को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसको इसी नेटवर्क सहायता से रिस्पॉन्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि क्लाइंट उस फाइल को यूज कर सके। अब यहाँ देखिए अगला आपका टर्म है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर जो है फाइल को मैनेजमेंट करने का काम करता है, यानी कि जो भी यहाँ पे क्लाइंट जिस भी फाइल को यूज करना है रिक्वेस्ट करता है, तब यहाँ पे ये आता है फाइल सर्वर के पास, तो फाइल सर्वर के पास जो भी यहाँ फाइल होता है यहाँ पे देता है इसको रिस्पॉन्ड, यानी कि फाइल सर्वर फाइल को मैनेज करने का काम करता है। अब यहाँ देखिए फाइल सर्वर में होता है कैश मैनेजर, कैशी मैनेजर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फाइल कैशिंग होता है, यानी कि यह जो है रिमोट एक्सेस ऑफ फाइल क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। जो भी यहाँ पे कैशी मैनेजर है, यह कैशी मैनेजर रिमोट एक्सेस ऑफ फाइल क्लाइंट को प्रोवाइड करता है, यानी कि जब यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट किया, जिस भी फाइल की नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो उस फाइल को यूज करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, तब यहाँ पे कैशी मैनेजर प्रोवाइड करता है रिमोट एक्सेस फाइल किसको, क्लाइंट को।
ताकि यहाँ पे क्लाइंट उस फाइल को अचीव या फिर एक्सेस कर सके। तो ये आपका होता है कैशी मैनेजर, जो कि आता है फाइल सर्वर के अंदर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला टर्म है नेम सर्वर। देखिए नेम सर्वर आता है सर्वर डिस्क के अंदर। देखिए ये आपका है फाइल सर्वर, तो फाइल सर्वर के अंदर होता है सर्विस डिस्क, SD होता है, यानी कि सर्विस डिस्क होता है। तो सर्विस डिस्क के अंदर होता है ये चीज नेम सर्वर। देखिए सर्विस डिस्क के अंदर होता है नेम सर्वर। तो नेम सर्वर का काम क्या होता है, मैपिंग करना, यानी कि जो भी यहाँ पे फाइल रिक्वेस्टिंग के रूप में आया है तो उसको यहाँ पे मैपिंग करने का काम किसका होता है, नेम सर्वर का होता है। तो ये आपका हो गया आर्किटेक्चर ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। यहाँ पे तीन क्लाइंट हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 और यहाँ पे क्लाइंट 3। यह जो है एक नेटवर्क सहायता से रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे सभी क्लाइंट नेटवर्क से अटैच होते हैं। और यहाँ पे जो है फाइल सर्वर, तो फाइल सर्वर भी नेटवर्क से अटैच होता है। तो ये आपका हो गया आर्किटेक्चर ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मैकेनिज्म फॉर द बिल्डिंग DFS, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का बिल्डिंग कैसे किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की बिल्डिंग के लिए क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, तो आप लिखेंगे इसकी बिल्डिंग के लिए, जो आपका DFS है, DFS की बिल्डिंग के लिए यहाँ पे होते हैं 5 पॉइंट या फिर 5 मैकेनिज्म होते हैं। पहला आपका है माउंटिंग और दूसरा आपका है कैचिंग, दूसरा कैचिंग है और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है हिंट और यहाँ पे चौथा पॉइंट है बल्क डेटा ट्रांसफर और यहाँ पे पांचवा पॉइंट है इनक्रिप्शन। अब यहाँ देखिए पहला आपका है माउंटिंग। तो माउंटिंग का मतलब ये होता है जो भी यहाँ पे होते हैं रूट डायरेक्टरी, इसके जो भी होते हैं चाइल्ड नोड, यानी कि जो भी आपका है रूट डायरेक्टरी, उस रूट डायरेक्टरी के जो भी होते हैं चाइल्ड नोड या फिर सब डायरेक्टरी होते हैं, तो उसी चाइल्ड नोड के द्वारा एक नए कंपोनेंट को अटैच किया जाता है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है माउंटिंग। तो आप लिखेंगे इसका मतलब क्या है, देखिए असाइनिंग दी रूट डायरेक्टरी ऑफ दी न्यू फाइल सिस्टम टू ए सब डायरेक्टरी ऑफ दी रूट डायरेक्टरी, यानी कि रूट डायरेक्टरी का जो भी यहाँ पे सब डायरेक्टरी होता है, तो उसी सब डायरेक्टरी का जो भी यहाँ होता है सब चाइल्ड, उसके द्वारा एक नए फाइल सिस्टम को असाइन किया जाता है, एक नए कंपोनेंट को अटैच किया जाता है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है माउंटिंग। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे है तीन सर्वर, सर्वर एक्स, सर्वर वाई और यहाँ पे सर्वर जेड है। अब यहाँ पे ये तीनों सर्वर माउंटिंग के द्वारा आपस में अटैच है। देखिए सर्वर एक्स का यहाँ पे चाइल्ड है ABC। अब यहाँ देखिए जो भी यहाँ पे है सर्वर एक्स, सर्वर एक्स इसके चाइल्ड है ABC। अब यहाँ पे सर्वर एक्स का यहाँ पे चाइल्ड है A, इसी A के द्वारा यहाँ पे सर्वर वाई यहाँ पे अटैच है। तब यहाँ पे जो यहाँ पे सर्वर एक्स का जो भी यहाँ पे सब चाइल्ड है, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा माउंटिंग पॉइंट या फिर माउंट पॉइंट बोला जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो सर्वर एक्स है उसका यहाँ पे चाइल्ड है वो है सी। अब यहाँ पे सी के सब चाइल्ड है एच और यहाँ पे आई। अब जो यहाँ पे सी का सब चाइल्ड है, मतलब सी का यहाँ पर सी क्या है, ये रूट है, किसका रूट है, एच का और यहाँ पे आई का। तो यहाँ पे एच आई, एच और यहाँ पे आई ये दोनों हैं चाइल्ड किसके, सी के। अब यहाँ पे सी जो है इसका जो चाइल्ड आई है, तो इसी आई के द्वारा यहाँ पे सर्वर जेड अटैच है। देखिए यहाँ पे सर्वर जेड अटैच है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को बोला जाएगा माउंट पॉइंट। तो आप लिखेंगे माउंटिंग के द्वारा नए कंपोनेंट को, नए न्यू फाइल सिस्टम को अटैच किया जाता है या फिर उसको जोड़ा जाता है। तो आपका हो गया एग्जांपल माउंटिंग का। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो भी यहाँ पे यूजर है, वह यूजर ये नहीं होगा कि मूव करके जाएगा किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के पास, किसी पर्टिकुलर सर्वर के पास, किसके लिए, रिक्वेस्टिंग के लिए। यानी कि यहाँ पे जब भी क्लाइंट को किसी भी सर्वर की नीड है, किसी भी सर्विस की नीड है, किसी भी फाइल्स की नीड है,
तब वह जो है किसी पर्टिकुलर सर्वर के पास मूव करके जाएगा नहीं रिक्वेस्ट करने के लिए, यह जो है किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर एक्स को, सर्वर वाई को या फिर सर्वर जेड को। तब यहाँ पे एक जगह रिक्वेस्ट करेगा तो सभी के पास यहाँ पे उसकी रिक्वेस्टिंग चली जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट करेगा किसी एक सर्वर को, यानी कि इसको हर जगह मूव करके जाने की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी जाए कहीं से भी रिक्वेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे है कैचिंग, इसका अगला पॉइंट है कैचिंग। यहाँ पे लिखा गया है जो भी है डेटा की कॉपी, यानी कि जब यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी फाइल को यूज करने के लिए, किसी डेटा को यूज करने के लिए, कहाँ पे, जो भी आपका है रिमोट फाइल सर्वर, रिमोट फाइल सर्वर कैच, तो इसके द्वारा क्लाइंट के कैच पे यहाँ पे उस डेटा की कॉपी प्रोवाइड कर दी जाती है। जब यहाँ पे क्लाइंट को किसी डेटा की नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तब यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा किसको, रिमोट फाइल सर्वर कैच को, यानी कि यहाँ पे सर्वर को, तब यहाँ पे रिमोट फाइल सर्वर कैच इसके द्वारा यहाँ पे डेटा की कॉपी क्लाइंट को सेंड कर दी जाती है, यानी कि रिस्पॉन्ड कर दी जाती है, तो इसे बोलते हैं कैचिंग। अभी आपने पीछे पढ़ा कि यहाँ पे जो भी कैचिंग होता है वह जो है कैशी मैनेजर के अंडर में होता है, यानी कि इसका सारा मैनेजमेंट कैशी मैनेजर करता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है हिंट, HINT। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए बहुत सारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट वन, क्लाइंट टू और यहाँ पे क्लाइंट थ्री, फिर यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ तक, अगर यहाँ पे सारे क्लाइंट एक ही साथ किसी फाइल को यूज करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, ये आपका सर्वर यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे ये सभी क्लाइंट एक ही साथ उस फाइल को यूज करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे। तो हो सकता है क्लाइंट यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो अगर यहाँ पे क्लाइंट रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तब यहाँ पे सर्वर के द्वारा आसानी से यानी कि तुरंत यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा, यानी कि क्लाइंट जो है उस फाइल को यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ मान लीजिए जो भी यहाँ क्लाइंट है, क्लाइंट अगर यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट किया सर्वर को और यहाँ पे ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, यानी कि यहाँ जो भी फाइल अपडेट हुआ है, जो भी यहाँ फाइल अपडेट हुई है, तो ये फाइल यहाँ पे वैलिडेट भी होना चाहिए और यहाँ पे अप टू डेट भी होना चाहिए, तभी यहाँ पे क्लाइंट उस फाइल को यूज कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, इस सिस्टम में या फिर सर्वर में जो भी यहाँ होता है फाइल, ये आपका है फाइल, तो यहाँ पे फाइल को टाइम स्टैम्प के साथ, ये आपका है टाइम स्टैम्प, फाइल को टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है और यहाँ पे ये है क्लाइंट और क्लाइंट के पास भी यहाँ पे होता है टाइम स्टैम्प, तब यहाँ पे क्लाइंट का टाइम स्टैम्प और यहाँ पे सर्वर का टाइम स्टैम्प ये दोनों यहाँ पे मैच करना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लाइंट का जो भी यहाँ पे टाइम स्टैम्प है वो अगर यहाँ पे आउटडेटेड है तब यहाँ पे क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट करेगा उस पर्टिकुलर फाइल को राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि क्लाइंट यहाँ पे चाहता है कि जो भी उसका फाइल है वो फाइल यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ओल्ड फाइल यहाँ पे होना नहीं चाहिए, तो इसे बोलते हैं हिंट। अब यहाँ पे अगला आपका पॉइंट है बल्क डेटा ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे डेटा का ट्रांसफर करना है तब यहाँ पे उस डेटा को एक छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसको यहाँ पे ब्लॉक वन में और यहाँ पे ब्लॉक टू में और इसको यहाँ पे ब्लॉक थ्री में डिवाइड कर दिया गया है और डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ पे सेंड किया जाता है रिसीवर को। तो यहाँ पे ये आपका है सोर्स एंड, जहाँ पे जो भी फाइल है उस फाइल को छोटे छोटे ब्लॉक में, उस फाइल्स के डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है और डिवाइड करने के बाद रिसीवर को यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो भी रिसीवर है, ये रिसीवर इस पूरे डेटा सेगमेंट को, यानी कि जो भी यहाँ पे डेटा कई सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, इसको कंबाइन करके यूज करेगी। तो ये आपका है सोर्स एंड और ये आपका है रिसीवर, तो वही यहाँ पे सारा पॉइंट लिखा गया है। तो अगर यहाँ पे डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तब यहाँ पे नेटवर्क डिले भी नहीं होगा। और यहाँ पे पांचवा पॉइंट है इनक्रिप्शन, तो यह जो है
डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। की का यूज करके डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखिए, जैसे कि आप पढ़े होंगे क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी क्या करता है, जो भी था प्लेन टेक्स्ट मैसेज को साइफर मैसेज में, CIPHER साइफर मैसेज में कन्वर्ट करता था। तो प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट में मैसेज को रीड किया जा सकता है और साथ ही साथ समझा भी जा सकता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड आल्सो रीड आर पॉसिबल इन द प्लेन टेक्स्ट मैसेज। लेकिन अगर हम बात करें साइफर टेक्स्ट मैसेज में, यहाँ पे मैसेज का केवल रीड किया जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग। तब यहाँ देखिए कैसे यहाँ पे इनक्रिप्शन डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है सेंडर, यहाँ पे है सेंडर। अब ये सेंडर जो है प्लेन टेक्स्ट मैसेज का यूज करके यहाँ पे मैसेज सेंड करेगा। अब यहाँ पे इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज किया जाएगा, यानी कि यह जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है यह रीड भी की जा सकती है और यहाँ पे समझा भी जा सकता है। तब यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज यूजर उस डेटा को, उस मैसेज को एक्सेस ना कर ले, समझ ना पाए, इसीलिए यहाँ पे इनक्रिप्शन एल्गोरिथम इसी प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। कन्वर्ट करने के बाद यह जो है, जो आपका साइफर टेक्स्ट मैसेज है, इसको यहाँ पे डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। और डिक्रिप्ट करने के बाद यहाँ पे जो रिसीवर है उस मैसेज को यूज कर सकता है, यानी कि यहाँ पे रीड भी कर सकता है और साथ ही साथ समझ भी सकता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग और यहाँ पे रीडिंग बोथ आर पॉसिबल बाय द रिसीवर। यानी कि जब यहाँ पे डिक्रिप्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे जो रिसीवर है उस मैसेज को आसानी से रिसीव कर लेगा और यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज यूजर उस मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ जो इंक्रिप्शन होता है यह जो है डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किसके द्वारा? की का यूज करके, यानी कि जो यहाँ पे सेंडर की भेजेगा उसी की का यूज करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज द इनक्रिप्शन। तो आज आपका डेटा सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।